नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी गुंडा। वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंग की तरह देखने वालों की आंखों में छुपती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेल्हे का फेटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गणासा, यह भी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटा चट बोलती थी। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रुओं की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिर और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उच्च विश्रंखलता में नवांगतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था अपनी बात पर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। ननकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसंत ऋतु में यह प्रसन्नपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन बल निर्भीकता और उच्च श्रृंखलता की आवश्यकता होती थी। एक बार ननकू सिंह ने भी एक पैर में नूपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आंख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर एक जड़ाऊ मूठ की तलवार, दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रख कर गाया था। कहीं बैगन वाली मिले तो बुला देना। प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में अच्छे पानी वाले कुओं पर गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में जाता तो काशी की रंगीली वैश्याएं मुस्करा कर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्प्रह देखती। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुट्ठी में भर भर कर उनकी खिड़कियों में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते, तब वह ठठा कर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींच कर चुप हो जाता। वह अभी वंशी के जुए खाने से निकला था, आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज सायत अच्छी नहीं रही मन्नू। क्यों मालिक, चिंता किस बात की है? हम लोग किस दिन के लिए हैं?
सब आप ही का तो है। अरे बुद्धू ही रहे तुम, ननकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उस दिन समझना वह मर गए। तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ, जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। उस दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बदता हूँ, और फिर वही दाव आता भी है। बाबा किनाराम का यह वरदान है। तब आज क्यों मालिक? पहला दाव तो आया ही, फिर दो चार हाथ बदने पर सब निकल गया। तब भी लो यह 5 रुपए बचे हैं, 1 रुपया तो पान के लिए रख लो और 4 दे दो मलुकी कथक को। कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे, हाँ वही एक गीत, बिलमी विदेश रहे। ननकू सिंह की बात सुनते ही मलुकी, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया, चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी, पर ननकू सिंह की भ्रुकुटी देखने की शक्ति उसमें कहां। उसे ननकू सिंह की वह मूर्ति न भूली थी, जब इसी पान की दुकान पर जुए खाने से जीता हुआ रुपयों से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। ननकू ने पूछा, यह किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की, मन्नू के इतना कहते ही ननकू सिंह के वो होंठ फड़कने लगे। उसने कहा, मन्नू यह नहीं हो सकता, आज इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपट कर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मन्नू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू गढ़ा सा कंधे पर से और ऊंचा करके मलुकी से बोला, मलुकिया देखता है, अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं, समझकर आवे, लड़के की बारात है। मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ था। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा सुनी होकर बीज बचाव हो गया था, फिर सामना नहीं हो सका। आज ननकू जान पर खेलकर अकेला खड़ा है। बोधी सिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मलुकी से कहा, जाबे कह दे कि हमको क्या मालूम है कि बाबू साहब वहां खड़े हैं, जब वह हैं ही तो दो समझी जाने का क्या काम है। बोधी सिंह लौट गए और मलुकी के कंधे पर तोड़ा लाद कर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो कुछ लगा खर्च किया, ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दुकान तक आकर रुक गए। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया। मलुकी को भी 10 रुपया मिला था उस दिन। फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहेब? सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुरा कर झांका कि ननकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वाले को देखने लगे। हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी, आंखों में सूरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफेद जड़ें दिखलाई पड़ रही थी, कोवेदार टोपी, छलकिया अंगरखा और साथ में लैसदार परत वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब हैं, ननकू हंस पड़ा। ननकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना है, अभी चले, देखो तब तक हम जान अली से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि ननकू ने ललकार कर कहा, दुलारी हम कब तक यहाँ बैठे रहें? क्या अभी सरंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहाँ आ बैठी हूँ, सुनिए ना, आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा, उसने कड़क कर कहा, चौबदार अभी वह सुअर की बच्ची उतरती नहीं, जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करें। देखता हूं तो जब से नवाबी गई इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है।
कुबरा मौलवी, बाप रे। तमोली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊंघता हुआ बजाज चौकर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराजा चेत सिंह से 3.5 शेर चीटी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा। बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वहीं से बाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत देखे हैं। अभी कल रमल के पासे फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रौम काटने। अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा, कौन है यह पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सर घूम गया। लैस के परत वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधिया कर जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गए। जान अली ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने लग गए? यह तो कहिए कि उसने गणासा नहीं तौल दिया। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी, बिलमी भी देश रहे। गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब ननकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई, साथ में एक चौबदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धूल और संध्या काल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली गई। श्रावण का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेर कर पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती, क्या करूं? वह कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गया सरकार। कुबरा मौलवी, जहां सुनती हूं उसी का नाम। सुना है कि उसने यहां भी आकर कुछ। फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, हाँ तो फिर क्या हुआ, तुम कैसे यहाँ आ सके? बाबू ननकू सिंह उधर से आ गए। मैंने कहा सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह यहाँ आने की छुट्टी मिली। कौन बाबू ननकू सिंह? दुलारी ने सिर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के। उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी, जब नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था, बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विवर्ण हो गया। फिर अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए? दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वैश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी थी। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी, सुंदरी होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता। महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था। हाँ, अप्रेम दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक रुचि न थी, अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया। बड़ी रानी की सापत ने ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी। अंतःपुर कलह का रंगमंच बना रहता। इसी से प्रायः पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही,
साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला। फिर भी असमर्थता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया रहता। उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो आया। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धार को पन्ना अनमयस्क होकर देखने लगी। उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो, सोचने का कोई कारण नहीं। उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथा अनुसार कभी कभी कह बैठता है कि यदि वह बात हो गई होती तो। ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी। सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर। गेंदा मुंह लगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई। राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता और उसे न जाने कितनी जानकारियां भी थीं। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। महारानी, ननकू सिंह अपनी सब जमींदारी स्वांग भैंसों की लड़ाई घुड़दौड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने खून होते हैं सब में उसी का हाथ रहता है। जितनी, उसे रोक कर दुलारी ने कहा, यह झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं, कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी, वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसी से तो उनकी बड़ाई। नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूँ कि बाबू ननकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा। राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी। तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी मांग कर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार, आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाला पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं। बच्चे फुसलाए जाते हैं। गलियों में लाठियां और छुरा चलने के लिए टेढ़ी भौएं कारण बन जाती हैं। उधर रेजिडेंट साहब से महाराजा की अनबन चल रही है। राजमाता चुप रही। दूसरे दिन राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्कहेम की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। कोबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था। उधर हेस्टिंग के आने की भी सूचना थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, लोहांगी, गणासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे। एक दिन ननकू सिंह सुंभा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पतली डोंगी बड़ की चटा से बंधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। चार उलाकी के कसे कसाए खड़े थे। ननकू सिंह ने अकस्मात कहा, मलूकी, गाना जमता नहीं, उलाकी पर बैठ कर जाओ, दुलारी को बुला लाओ। मलूकी वहां मंजीरा बजा रहा था। दौड़ कर इकर पर जा बैठा। आज ननकू सिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। एक घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्करा कर कहा, क्या हुक्म है बाबू साहब? दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने सशंक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा। तुम किसी तरह का खटका ना करो, ननकू सिंह ने हंसकर कहा। यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई हूं। क्या? किससे? राजमाता पन्ना देवी से। फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में ननकू सिंह की आंखें तर हो जाती हैं। गाना बजाना समाप्त हो गया। वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झुरमुट में गूंज रहा था। मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में ननकू सिंह चिंता में निमग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं, और सब लोग तो सोने लगे थे। दुलारी जाग रही थी।
वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू सिंह के समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही चौंक कर ननकू सिंह ने पास ही पड़ी हुई तलवार उठा ली। तब तक हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है? छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देख कर ननकू हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों भाई जी, क्या इसी समय जाने की पड़ी है? मौलवी ने फिर बुलाया है क्या? दुलारी ननकू के पास बैठ गई। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूं। क्या? क्या यही कि कभी तुम्हारे हृदय में? उसे न पूछो दुलारी, हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूं। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछालता, मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूं, पर मरने नहीं पाता। मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है? आपको काशी का हाल क्या मालूम? न जाने घड़ी भर में क्या हो जाए, उलट पुलट होने वाला है क्या? बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं। कोई नई बात इधर हुई है क्या? कोई हिस्टिंग आया है, सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बिठा दिया है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वही हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने। क्या पन्ना भी? रनिवास भी वही है? ननकू अधीर हो उठा था। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा ननकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा, दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध कर रहा हूं। क्यों, तुम जानती हो मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूं, और पन्ना? किंतु उसका क्या अपराध? अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका, किंतु पन्ना? उसे पकड़कर गोरे कलकत्ता भेज देंगे? वही? ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा था। दुलारी ने देखा ननकू अंधकार में ही वट वृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। 16 अगस्त सन 1781 को काशी डावाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेत सिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था, दुकानें बंद थी, घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ आज हलवे वाला नहीं आया? वह कहती, चुप बेटे। सड़कें सूनी पड़ी थी। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कोबरा मॉल भी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियां बंद हो जाती थी। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन? बाबू ननकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही हो? पागल, राजा कैद हो गए हैं, छोड़ दो इन सब बहादुरों को, हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर चले जाएं। ठहरो, कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। ननकू की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। ननकू ने कहा, नमक हरामो, चूड़ियां पहन लो। लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। ननकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चेत सिंह का क्या राजनीतिक अपराध है। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया।
इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेत सिंह से बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे, आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो यह, तेजस्विनी पन्ना ने कहा, अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं। मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मचा। राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि ननकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। ननकू सिंह ने एक बार गंगा की धार को देखा, उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा, इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है? सबने घूम कर देखा, एक अपरिचित वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव। चेत सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी सांस निकल कर रह गई, उसने पहचान लिया, इतने वर्षों के बाद वही ननकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूं, पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा, जनानी डोड़ी का दरोगा राज की एक डोंगी पर चार मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूं। और चेत सिंह को देखकर पुत्र वत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया, उसका उत्तर किसी के पास न था। मनिहार सिंह ने कहा, तब मैं यहीं? ननकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक आप नाव पर बैठे, जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननकू को देखा, एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और ननकू सिंह फाटक पर इंस्ट्रक्टर के साथ। चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनिहार सिंह के हाथ में दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं, अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहां कहां हैं साहब? मनिहार सिंह ने हंसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़ने लगा। चेतराम ने कहा, पहले चेत सिंह को कैद कीजिए। कौन ऐसी हिम्मत करता है, कड़क कर कहते हुए बाबू मनिहार सिंह ने तलवार खींच ली। अभी बात पूरी न हो सकी थी कि कोबरा मौलवी वहां पहुंचा। यहां मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती, और न ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने देखा और कहा, देखते क्या हो चेतराम? चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि ननकू के सदे हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी। स्टाकर आगे बढ़े। मौलवी साहब चिल्लाने लगे। ननकू सिंह ने देखते देखते स्टाकर और उसके कई साथियों को धाराशाही किया। फिर मौलवी साहब कैसे बचते? ननकू सिंह ने कहा, क्यों, उस दिन के झापड़ ने तुमको समझाया नहीं पाजी? कहकर ऐसा साफ चनेवा मारा कि कोबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में यह भीषण घटना हो गई, जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था।
ननकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं, उतरिए डोंगी पर। उसके घाव से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 200 तिलंगों की संगीनों में वह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। ननकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी गुंडा। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।